दिखा दीजिए नीचे, मतलब मेरा तो स्टेज पे ध्यान गया सबसे पहले जूतों पे, उसके बाद शर्ट चश्मा, एकदम रॉकस्टार एंट्री बाइक पे आपने मारी। कैरेक्टर ऐसा ही है इस शो में? कहानी को जो केशव है मानता है, अगर मैं आपको कहूँ तो जो संस्कृति है वो आती है यूएसए द्वारका और मिलती है केशव से, तो वो कुछ सवालों का जवाब ढूंढने आई है, तो उसके सवालों का जवाब ये केशव है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन ये केशव है। डेटिंग टिप्स, गुजराती लड़के को अगर कुछ किसी को इम्प्रेस करना हो જો એના માટે છે ને તમારે કેશવ જેવું ફેશન કરવું પડશે પહેલા તો, અને કેશવ જેવી બોલી રાખવી પડશે, એકદમ મીઠી બોલી કે બધાના મનને આમ લુભાવી દે, અને બસ અનશકી લાઈફમે એક બહોત હી પ્યારી ચીજ હૈ જો ઉસે વો બહોત હી બેપના પ્યાર કરતા હૈ, વો હૈ ઉસકી તૂફાની, કેશવની તૂફાની જો હૈ ઉસકી બાઇક। ઓ પૂરી દ્વારકા મે કેશવ બાઇક પે ઘૂમતા હૈ, તો આપકે પાસ કેશવ કી તૂફાની હોની ચાહિયે, ફિર આપ દેખો एक बना बनाया शो आपने कर लिया है, तो आपने कुछ स्ट्रगल नहीं किया, ये नहीं किया, बट उस चीज़ को भी पाने के लिए मैंने 10 साल या कितने साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल बहुत स्ट्रगल की है। एक टाइम पे फर्स्ट में बता रहा हूँ कि एक टाइम पे वी डिडंट हैव मनी टू बाई वाटर बॉटल, 10 रुपए की पानी की बॉटल लेने के भी ऐसा था कि वो हम सोच समझ के खर्चा करते थे, मम्मी से कि चलना अभी घर पहुँच रहे हैं वहाँ जाके पी लेने करते, अभी थोड़ी प्यास को साइड में रखते, है ना, वो स्ट्रगल की है। कई बार रिक्शा में जाने के लिए 10 रुपए शॉर्ट पड़ जाते थे लोकेशन में पहुंचने के लिए, तो आई स्टिल टेक द वॉक विद मॉम डैड, सीना थोड़ा पहुंच लेता हूं मैं। अब लग रहा है क्यूट बन रहा है, अब बिल्कुल एकदम आप स्मार्ट लग रहे हैं, और मैंने इनकी फोटो को मैंने छुपा दिया है ताकि पोस्टर में अपना हीरो दिखना चाहिए। नहीं नहीं यार, पोस्टर फटेंगे तो हीरो ही निकलेगा, हीरो ही निकलेगा। क्या हाल चाल भाई, केम छो? मजा माता में केम छो? मजा माचो, यही बोलना होता है। हाँ, मुझे इतनी गुजराती आती है लेकिन आज मजा आया। सवाल भी वही होता, जवाब भी होता, मजा माचो। हाँ। मजा माचो। कितना मजा आने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात जाके? बहुत बहुत, लाइक मौजे मौज पड़ी जवानी छे। और ये ऐसा नहीं कि गुजराती शो है तो हिंदी वालों को नहीं समझ में आएगा, उनको नहीं देखना, अरे मजा आप लोगों को भी आएगा, चाहे हिंदी हो या गुजराती हो, जो हमारे लैंग्वेज जो है ना बहुत सरल है, बहुत ही लवेबल लैंग्वेज है, तो हर कोई इस शो से प्यार करने वाला है, बिकॉज कॉन्टेंट वैसा है, एक्टर्स वैसे है, बाकी लोग भी है। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल है, नहीं नहीं है वैसे, बिकॉज़ हमारे शो में आप जैसे भी देखेंगे लाइक दिग्गज कलाकार हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, सिद्धार्थ सर हैं, रागिनी मैम हैं, वन्ना जी, अपरा जी हैं, तो मैं तो यार अपने आप को काफी ब्लेस्ड मानता हूँ कि इनके साथ तो स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज़ बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, आपका जो पूरा लुक है एक बार जरा दिखा दीजिए नीचे, मतलब मेरा तो स्टेज पे ध्यान गया सबसे पहले जूतों पे, उसके बाद शर्ट चश्मा, एकदम रॉक स्टार एंट्री बाइक पे आपने मारी। कैरेक्टर ऐसा ही है इस शो में? यस, एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो मेरा कपड़ों से ही झलकता है, बिकॉज ही फुल ऑफ कलर्स, दिस कैरेक्टर शर्ट ट्रेलर में भी दिखी मुझे। यस, ट्रेलर में दिखी है, अरे मैंने मेरा मैच कर लिया, मैंने कहा बंदा वही वाला पहन गया है, बिकॉज ये मेरा फेवरेट यू नो आउटफिट है, शर्ट है, तो मैंने बोला आज इस बड़े दिन के लिए ये शर्ट पहनते हैं, तो यस मेरा कैरेक्टर इस आउटफिट के साथ ही जाता है। बहुत सारे कलर्स हैं केशव की लाइफ में, सॉरी आई एम प्लेइंग केशव मोदी, यस यस, तो केशव मोदी जो है ऐसा ही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, और काफी कॉन्फिडेंट बंदा है, एनर्जेटिक है, और फ्लैम्बॉयंट आप कह सकते हो, और मैं अपनी इंस्पिरेशन लेता हूँ एक ही बंदे से, रणवीर सिंह। ओह क्या बात है, जो फेमस कैरेक्टर्स हैं जयेश भाई जोरदार, जयेश भाई एसएस गुजराती कैरेक्टर है उनका, रॉकी रंधावा, रॉकी रंधावा लाइफ यू नो हैप्पी गो लकी गाय। तो ये कैरेक्टर जो है, जो हीरोइन आएगी अमेरिका से गुजरात में, उसके साथ क्या कुछ करने वाला है, उसको कैसे इम्प्रेस करने वाला है, क्या करना है? तो केशव मोदी बस लाइक हीरो तो है ही शो में, बट साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी है इस शो में, इस कहानी में, क्योंकि इस कहानी को जो केशव है मानता है, अगर मैं आपको कहूँ तो जो संस्कृति है वो आती है यूएसए द्वारका और मिलती है केशव से, तो वो कुछ सवालों का जवाब ढूंढने आई है, तो उसके सवालों का जवाब ये केशव है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ये केशव है, और ये केशव जो है संस्कृति के और जो सूर्यकांत बा है उनके बीच में एक ब्रिज है, सुदामा सेतु ब्रिज है, तो दोनों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और वो कैसे करता है, क्या क्या करता है उन दोनों को जोड़ने के लिए, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात। अच्छा राज, अब राज से भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं,
रीजनल और नेशनल कितना डिफरेंस लगा? वैसे देखा जाए तो मुझे कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज कलर्स गुजराती मतलब यू नो धमाकेदार शोज ला रहा है. एक हमारा शो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड देयर इज वन मोर शो 7:30 को आने वाला है श्याम धुन लागी रे. और लुक वाइज आप देखेंगे तो दोनों ही शो काफी एकदम रिच एक लेवल पे यू नो बन रहा है ये शो और लाइक फुल ऑफ कलर्स है यू नो. तो जो भी है हम लोग एनर्जी के साथ दोनों शोज ला रहे ऑडियंस के लिए. और मुझे तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगा. इट्स जस्ट दैट लैंग्वेज लैंग्वेज डिफरेंस ऑफ कोर्स होने वाला है. और इसको मैं एज अ चैलेंज नहीं लेता हूँ बिकॉज मैं खुद गुजराती हूँ, दिल से गुजराती, वट थी गुजराती. तो यस बहुत मजा आ रहा है बट गुजराती शो करते. अच्छा, राज की लाइफ में कौन कौन से कलर्स हैं, कितने कलर्स हैं, क्योंकि शो कलर्स पे है तो थोड़ा सा अपने कलर्स के बारे में भी बताइए. देखिए आप थोड़ा बहुत केशव ले सकते हैं राज के अंदर, राज के अंदर थोड़ा बहुत केशव, केशव के अंदर थोड़ा बहुत राज. यू नो मैंने कहा ना कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इस कैरेक्टर के ऊपर बिकॉज इन रियल लाइफ मैं वैसा ही हूँ. मैं जस्ट किसी से मस्ती मजाक करता रहूँगा, हर किसी को खुश कर देता हूँ, किसी में उदास नहीं देख सकता, हर किसी के लिए मैं मदद करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ. तो या दैट्स मी, दैट्स राज, दैट्स केशव. तो केशव ने संस्कृति को जिस तरह से क्या कहें कि इम्प्रेस किया, उसकी कुछ टिप्स, डेटिंग टिप्स गुजराती लड़के को अगर कुछ किसी को इम्प्रेस करना हो? जो एना माटे छे ने તમારે કેશવ જેવું ફેશન કરવું પડશે પહેલા તો, અને કેશવ જેવી બોલી રાખવી પડશે, એકદમ મીઠી બોલી કે બધાના મનને આમ લુભાવી દે. અને બસ, અને હા, ઓર મેં આપકો એક વાત બતાવવા ચાહુંગા, કેશવ કી લાઈફ મેં એક બહોત હી પ્યારી ચીજ હૈ જો ઉસે વો બહોત હી બેપના પ્યાર કરતા હૈ, વો હૈ ઉસકી તૂફાની, કેશવ ની તૂફાની જો હૈ ઉસકી બાઇક. ઓ પૂરે દ્વારકા મેં કેશવ બાઇક પે ઘૂમતા હૈ, તો આપકે પાસ કેશવ કી તૂફાની હોની ચાહીએ, ફિર આપ દેખો. વૈસે બાઇક કા શોખ? नहीं, मैं आई एम अ कार पर्सन, बट जब मुझे पता चला कि शो में मुझे बाइक चलानी है तो मुझे ऐसा डर लग रहा था मैं बाइक कैसे चलाऊंगा. लेकिन मैंने चलाई है बहुत सालों पहले, प्रैक्टिस छूट गई थी, 7-8 साल हो गए. और आप मानोगे नहीं, शूट के 2 दिन पहले मैंने बाइक सीखी है, क्योंकि द्वारका में मुझे बोला गया था आपको बाइक चलानी गलियों के अंदर संस्कृति को बिठा के. इमेजिन. वैसे कार कौन सी पसंद है, कौन सी ड्रीम कार है, कुछ है ऐसा? बहुत सारी है वैसे. मर्सिडीज मुझे एक लेनी है स्पोर्ट्स, लाइक आई वांट टू गो फॉर एसयूवी कार, बट अभी मुझे डिस्कवरी भी पसंद आ रही है. तो भी देखते हैं बजट में कौन सी आती है. आपको सही चल रहा है, मतलब मुझे लगता है काम धंधा एकदम आ ही जाएगी भाई, 3-4 मुझे लगता है अलग अलग कलर में. अच्छा, यू स्टार्टेड अर्ली, तो क्या सोचा था, एक्टिंग में जाना था, मतलब बचपन से? ये मेरी मॉम का ड्रीम था एक्चुअली, और उन्हीं को आज मैंने पूरा किया है, उनके सपनों को साकार किया है. बिकॉज मेरी मॉम को सदा कि भाई मेरा लड़का टीवी पे आना चाहिए. बाय द वे, हाय मॉम. हेलो हेलो आंटी, आपका बेटा आगे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात प्लस गुजराती पे. तो ये जब मैंने जर्नी शुरू की तब मुझे कुछ पता नहीं था, बिकॉज मैंने बहुत, मैं जब छोटा था तब से मैंने जर्नी की शुरुआत की. बट जैसे जैसे मैं इस जर्नी में आगे बढ़ते गया मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा, और फिर मैंने मॉम डैड दीदी के सपने को भी अपना सपना बना लिया कि नहीं, नाउ आई ओनली वांट टू बिकम एक्टर. तो अभी मॉम का क्या रिएक्शन रहता है व्हेन शी सीज यू ऑन स्क्रीन, या इसका ट्रेलर, या इसका ट्रेलर देखते हैं? काफी इमोशनल हो जाती है बस, क्योंकि सी मैंने बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, किसी को पता नहीं है और ना ही मैंने ज़्यादा इसके बारे में बात भी की है. बस लोगों को ऐसा लगता है कि एक बना बनाया शो आपने कर लिया है, तो आपने कुछ स्ट्रगल नहीं किया, ये नहीं किया. बट उस चीज़ को भी पाने के लिए मैंने 10 साल या कितने साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल बहुत स्ट्रगल की है. एक टाइम पे कई बार रिक्शा में जाने के लिए 10 रुपए शॉर्ट पड़ जाते थे लोकेशन में पहुंचने के लिए. तो आई यूज़ टू टेक अ वॉक विद मॉम डैड, तो वो सब भी किया हुआ है ना. तो ऑफ कोर्स एक प्राउड तो फील होता है मॉम डैड. बिल्कुल, एंड स्ट्रगल रंग भी लाया है, और अब रंग लाया है, बहुत सारे रंग लाया है, कलर्स कलर्स निकल रहा है जल्दी से, जो है कई सारे कलर्स की मर्सिडीज और डिस्कवरी और वो सब जो है वो आ जाएंगी. सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, इट वाज लवली टॉक. तो जितने भी हमारे व्यूअर्स, उनको मैं कहना चाहूंगा हमारा शो जरूर देखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात, 29 जुलाई से मंडे टू संडे रात को 8 बजे, कलर्स गुजराती. पक्का देखना.
पक्का देखो, भाई का शो है। भूलता नहीं, भूलता नहीं है मुझे जो ऐसा केशव मोदी तुमने धमकी भी दे दी मोदी जी की, तो मोहब्बत है आय आवाज में जाए ना, मौज करवानी चाहिए, काहे धमकी वमकी नहीं, मौज मौज करो, मौज करो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.